हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। उठ चुका हूँ मैं। आज बाइक की सर्विस पे जा रहा हूँ। दिखाता हूँ कौन सी बाइक है मेरी। रानी आपने पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा। ये रही, इसकी हालत देखिए क्या हो रखी है। पास से देखिए, मतलब खस्ता हो रखी है ना हालत, इसको हद नहीं। आज इसको थोड़ा नया करवा के आते हैं। मैं जा रहा हूँ और जा ही रहा हूँ बस। वो सो के उठाऊँ यार, जल्दी जाना था, लेट हो गया है। अब यहाँ पे 7:30 बज गए हैं। मैं हूँ, मेरा भाई है सचिन। अब जा रहे हैं हम, और यहाँ से पहले मनीष के घर जाएंगे। और चलो आगे रास्ते में बात करते हैं। बाय बाय पापा की परी। तो ओके गाइस, हम निकल रहे हैं। तो मैं अपने पहले डॉक्यूमेंट ले लूँ, लाइसेंस वगैरह। बस पुलिस वालों को बहुत रगड़ा है यार, लेके चलना पड़ेगा जरूरी। आ गया हूँ मैं, बस अपने लाइसेंस को लेता हूँ और फिर चलता हूँ। मेरी सबसे अलग जगह है लाइसेंस वगैरह रखने की भी। छोटा भाई लेट रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। देखिए मेरा वॉलेट, अरे यहाँ नहीं है भाई, ये पता ही मेरा वॉलेट कहाँ है। मैं कहीं भी रख देता हूँ। मेरी मम्मी थी पीछे, क्योंकि बस 2 मिनट रुकेगा। हाँ मम्मी, मेरा वॉलेट कहाँ है? ओके गाइस, मैं वॉलेट ढूंढ के यहाँ से निकलते टाइम आपको दिखाता हूँ। मिल गया यार वॉलेट, रखा हुआ था बेड के किनारे। चलते हैं यार, जल्दी जाना है, लेट हो गया हूँ वैसे, लेट उठाऊँ क्योंकि काम है यार उतने। अरे यार चला जा, झूठे भी नहीं। अब रानी को पहले थोड़ा स्टार्ट करते हैं। हाय दोस्तों, कैसे हो? मेरी दादी गड़ गड़ यार, ये बहुत हैवी है। कहीं अगर चढ़ान पे रुक गई ना, ढलान पे, तो ऐसा मानो इसको खींचना हाथी के, मतलब हाथी को खींचने के बराबर हो जाता है जी। भाई आवाज बताना कैसी है यार, बेइज्जती करा रही है भाई। रानी स्टार्ट है और सचिन चलाएगा ऐसे तो अब चलते मनीष के घर। रास्ते में एक दो सीन लूंगा बाइक चलाते हुए के, और एंजॉय करिए। बाय। फाइनली हम पहुंच चुके हैं सचिन भाई, और ये रहा मनीष का टावर, सबसे टॉप फ्लोर, 13th फ्लोर। तो हम पहुंच गए हैं, अब मनीष को मैंने कॉल कर दिया, वेट कर रहे हैं। भाई बहुत ठंड हो रखी है। अच्छा वैसे आज एक अच्छी बात बताऊं, आज
अच्छा फोकस करना हुआ, धूप के आसार लग रहे हैं, मतलब सूरज निकलने के आसार लग रहे हैं। बहुत टाइम बाद फेस दिखाएगा हमारा ये सूरज। मैं तो खैर नहीं, मैं तो घर में रोज ही रहता हूँ, पर ये वाला सूरज आज फेस दिखाएगा। और बहुत अच्छा मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, पर लेकिन और मनीष यो ये बंदा बहुत कैमरे से बचता है, मतलब पता नहीं क्या बात है। तो ओके गाइस, हम अब निकलते हैं तीनों, ठीक है, और सर्विस स्टेशन मिलते हैं आपको, बाय। मनीष की परी बहुत नखरे दिखाती है ठंड में। भाई ठंडी पड़ गई है, इस बाइक पे हमें 15-20 मिनट हो गए हैं झकमराते हुए। चलो हो गई स्टार्ट, चलो ठीक है गाइस हम निकलते हैं। ओके चुके हैं ब्लैक सर्विस स्टेशन यहाँ पे सर्विस के लिए, और जैसे ही हमारी सर्विस वगैरह स्टार्ट होती है मैं आपको दिखाता हूँ और आगे थोड़ा बहुत, ठीक है, तो मिलते हैं अब आगे, बाय। तो गाइस भूख लग रही है यार, सुबह नाश्ता भी नहीं किया तो बिरयानी खा रहे हैं जी, तो भूख लग रही है बहुत तेज। ओके गाइस बाय, चला गया, ब्रेक शू बदलेंगे, इंडियन ऑयल और तुम्हारा फिल्टर क्या एयर फिल्टर चेक होगा, और भी बहुत काम होंगे। बैठे हैं अब, मनीष बाहर गया है, आ रहा है शायद, तो ओके भाई दिखाता हूँ, मिलते हैं इसके बाद, सेक्टर हो जा सकता हूँ शायद। ओके भाई बाय, ये रही अपनी बुलेट सर्विस पे। हाँ दिस वन नो नंबर प्लेट, नंबर प्लेट नहीं है, जिस दिन पुलिस वालों ने रोके उस दिन सही से चलान कटेंगे मेरे। ये पागल है अपनी टीम में। आपने देखा अभी बुलेट की सर्विस का दिखाया आपको, मैं हालत बिगड़ी पड़ी है मैं बुलेट की, ग्रीसिंग हो रही है अभी से मैं, और चैन सेट तो खैर हम बाहर से बदलवाएंगे, ऑयलिंग वगैरह हो रही है, थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम है, माइक लूँगा यार अभी ऐसे ही काम चला लेना वॉइस से। गाइस ब्लड मेरी हो चुकी है साफ, और अब जा रहे हैं बिलिंग के लिए, और बिलिंग करवाने के बाद तुमको दिखा रहे हैं गाड़ी का स्टाफ, ठीक है, ओके मिलता हूँ बाय।
ओके गाइस, बुलेट की सर्विस जो है मेरी बुलेट की हो चुकी है, वीडियो में तुम्हें दिखाई दी। और भाई है मेरा, नाम बोल जल्दी। अनस है ना? हाँ अनस भाई है, ये बहुत हेल्प कर रहा था मेरी बुलेट की सर्विसिंग वगैरह में। और अब हम सेक्टर 9 जा रहे हैं और आगे वीडियो में तुम्हें दिखाता रहूँगा सेक्टर 9 में चेन सेट डलवाना है इसका। आ गया मनीष भी, ये रहा। तो अब हम जा रहे हैं अपना घर पर, क्योंकि सेक्टर 9 जाने की बात हो रही थी, क्योंकि चेन सेट मुझे ख़राब लग रहा था, जो कि उसकी चेन ढीली थी। पर अब चला रहे हैं बुलेट को, सचिन लेके गया आगे, तो तेज भी चला है, धीरे भी चला है, तो चैन सेट में कोई दिक्कत नहीं आ रही अभी तक। जैसे चैन स्लाइड कर रही थी, अब नहीं कर रही है क्योंकि चैन उस टाइम ढीली थी। तो अब हम सीधा घर जा रहे हैं। अब हम एक प्लान कर रहे हैं, क्योंकि मनीष को जो है ना, मनीष बहुत अच्छा डांसर है, मैंने आपको बताया था, ये डांस भी करता है, टैटू आर्टिस्ट भी है, और मतलब बहुत से बंदे में टैलेंट है। तो अब हम डांस की क्लास खोलेंगे, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं हूँ और एक और हैं, उनको और दिखाऊंगा मैं, वो सरप्राइज है, उनका एक चैनल भी आएगा। और अब हम उसके लिए ही एक छोटा सा जो है ना साउंड स्पीकर लेने के लिए जा रहे हैं। तो अब हम रास्ते में हैं, तो पहुँच के साउंड स्पीकर लेते हैं, फिर आपको दिखाऊंगा कैसा है। सजेस्ट करिएगा अच्छा है बुरा है जो भी है, अभी तो छोटा ही लेंगे यार। तो मिलते हैं आगे, ओके बाय। फाइनली हम घर आ चुके हैं। मैंने बताया था आपको एक साउंड प्लेयर भी लाना है, मतलब ब्लूटूथ का। ये ब्लड देखो, आपको दिखाई दे, लास्ट में साफ हो गई है। और दिखाता हूँ मैं आपको अपना साउंड प्लेयर। सचिन और मनीष अभी भी यहाँ पर हैं, मैं थोड़े डांस के स्टेप सीख रहा था, ये रहा, ये है देखिए, ये मेरा न्यू सिस्टम, ये रुक जाओ, ब्लूटूथ मोड कनेक्टेड। जैसा भी है भाई, काम चला हुआ, मतलब वॉइस भी अच्छी है। मैं आपको आपको वॉइस करता हूँ, वॉइस आपके इसको सुना के दिखाता हूँ कैसी है वॉइस इसकी, ठीक है? तो नहीं चलेगा रिकॉर्डिंग तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा वॉइस आपको। वैसे आवाज़ अलग से वीडियो में लास्ट में दिखा दूंगा मैं, सुना कैसी आवाज़ कैसी नहीं है। और आपको चाहिए होगा तो लिंक कैसे डालूंगा यार, मैंने अभी वैसे ही दुकान से लिया है, ठीक है, ओके बाय। अभी थोड़ा छोटा गरीब यूट्यूबर हूँ, चला गंगा, ओके बाय। तो गाइस, मैंने जो म्यूजिक सिस्टम लाया, मैंने बताया था कि आपको बाद में उसकी आवाज़ सुनाऊंगा। तो गाइस देखते हैं कैसी आवाज़ है, आपको दिखाता हूँ, मतलब मैंने देख ही लिए, आपको दिखाता हूँ। आवाज़ सुन रहे हो? बताइएगा मुझे, मुझे बताइएगा कैसा लगा। और जो है रेट आप देख के मतलब खुद ही बताइएगा कितने प्राइस का होगा, कितने का नहीं होगा, ठीक है? ओके गाइस, मैं अपना ब्लॉग यहाँ ख़त्म करता हूँ आज का, मतलब ये लास्ट ब्लॉग है। और आगे मैं अपने अब नेक्स्ट ब्लॉग बनेगा शूट का, वो मैं आपको अगले ब्लॉग में ही बताऊँगा कैसा क्या, ठीक है? ओके गाइस बाय, ओके गाइस बाय, सॉरी, लव यू ऑल।